छिंदवाड़ा शहर में लोकायुक्त की टीम के द्वारा शहर के रजिस्ट्री कार्यालय में पदस्थ एक क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। यह कार्रवाई आवेदक के शिकायत पर क्लर्क के ऊपर की गई है। देखें रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले में लोकायुक्त की टीम के द्वारा शहर के रजिस्ट्री कार्यालय पर एक क्लर्क को 10,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल सर्विस प्रोवाइडर इंद्र कुमार साहू ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिया था, तब बाबू देवी प्रसाद ग्यासवंशी ने लाइसेंस नवीनीकरण करने के एवज में 25,000 रुपये की मांग की थी, जिसकी शिकायत आवेदक ने लिखित में लोकायुक्त में की थी। वहीं जिसके बाद लोकायुक्त ने आज 10,000 रुपये लेते बाबू को रंगे हाथ पकड़ लिया। दिनांक 11/4/2023 को छिंदवाड़ा निवासी इंद्र कुमार साहू ने कार्यालय आकर लिखित आवेदन किया कि वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है और पंजीयक कार्यालय छिंदवाड़ा में लाइसेंस रिन्यू, उनका एक समय होता है जब उनको लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, तो उसके लिए आवेदन किया था। काफ़ी समय हो गया उसका, जो लाइसेंस रिन्यू का काम था वो हो नहीं पाया। उक्त तारतम्य में जब प्रार्थी पंजीयक कार्यालय छिंदवाड़ा में पदस्थ देवी प्रसाद ग्यासवंशी जी से मिला, जो कि वर्गीय बाबू है, तो उनके द्वारा उनसे उपकार करने के लिए 25,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई। शिकायत प्राप्त होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए, विधिवत की रिकॉर्डिंग कराई गई, तो मोल भाव करने पर 10,000 रुपये लेने को श्री ग्यासवंशी जी राजी हो गए, जिन्हें आज दिनांक को 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मामला ये है, मैं सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस लिया हूँ मैंने पिछले 2 माह पहले, और मैंने लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन किया था 6/3/2023 को। इस एवज में सर से मेरी बात हुई बीच में, लेकिन मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया है। और इस मिस्टर देवी प्रसाद ग्यासवंशी साहब, इनने मुझसे 25,000 की डिमांड की, तो जिस आज जो मतलब कि मोल भाव में 10,000 का सौदा कम्प्लीट हुआ, वो 10,000 की रिश्वत लेते हुए सर पकड़ा गए हैं। आपका नाम? इंद्र कुमार साहू। क्या नगदी दिए? क्या नगदी दिए हैं? नगद मैं सोनपुर मल्टी छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा। वहीं इस पूरे मामले में लोकायुक्त ने बाबू पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रकरण दर्ज कर और छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, छिंदवाड़ा।